मंदसौर जिले के गरोड़ तहसील के अंतर्गत ग्राम बोलिया में स्क्रब टाइफस जानलेवा बीमारी से यशोदाबाई पाटीदार को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पीड़ित महिला का इलाज कोटा अस्पताल में चल रहा है। स्क्रब टाइफस बीमारी के मरीज की सूचना स्वास्थ्य विभाग को लगी तो उन्होंने घनश्याम जागड़े, बीईई नीलेश शर्मा, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक समेत कई डॉक्टरों की एक टीम बनाकर मरीज के परिवार के सदस्यों की जांच की और ब्लड के सैंपल लिए। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा घर घर जाकर सर्वे कर जाँच की जाएगी और बीमारी के लक्षण की जानकारी देंगे। इसके लिए चूहों से बचाव ही उपाय है। अब चूहे क्या है कि घास में जाते हैं, घास में जाने से उनके जो घास में ये स्क्रब टाइफस का वायरस होता है ये उनके शरीर पर लग जाता है चूहों के, और जहाँ जहाँ फिर चूहे निकलते हैं वहाँ से ये वायरस को गिराते हुए जाता है। नंगे पैर होने से या त्वचा के कहीं संपर्क में ये वायरस आने से ये शरीर में इफेक्ट करता है। जब भी इसका संक्रमण होता है शरीर में, उसके बाद जो है कि शरीर पर किसी न किसी स्थान पर एक छोटा फोड़ा फुंसी टाइप का दिखेगा और ये इसका मुख्य लक्षण है। इसी के बाद ही जो बाकी और टेस्ट करवाने के बाद ये क्लियर होता है। बोलिया में ये पहला मरीज है और इसके लिए हमने आज टीम को, सर्वे टीम को आज बता दिया है। ये सर्वे करके इसमें जो भी अगर और निकलता है तो आज हमको रिपोर्ट इसकी पता चल जाएगी। रिपोर्ट लेने के बाद इसकी रिपोर्ट कब तक आ सकती है? रिपोर्ट लेने के बाद मतलब इसकी जानकारी, सर्वे की जानकारी लेंगे कि भाई फीवर जिनको जिनको है और जिनको ऐसा सिम्टम है तो ऐसे कितने लोग हैं, तो उनको हम फिर चिकित्सक को शाम तक पता कर लेंगे। तो हम चिकित्सक को बताएंगे और उसके बाद फिर जो भी उसकी कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।